नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मैदे के लड्डू की रेसिपी लाए हैं। देखें कितने हेल्दी और टेस्टी हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो चलिए इन लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप देसी घी। देसी घी से लड्डू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। और देसी घी को हल्का सा हम गर्म कर लेते हैं और हल्का सा गरम हो जाने पर देसी घी को अब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से 1 कप मैदा छान कर ली थी, तो मैदा आप छान कर ही लें और इसमें डाल लें। आँच को हम मीडियम ही रखेंगे और मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। और इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे और बाकी की मैदा भी अब हम डाल देते हैं। अब हम इसे कलर चेंज होने तक भून लेंगे या फिर जब तक इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। बेसन के लड्डू तो दोस्तों आपने बहुत खाए होंगे और सबको पसंद भी बहुत आते हैं, तो मैदा के लड्डू इस बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये भी आपको बहुत ही पसंद आएंगे। घर की चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम मैदा को इसी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और मैदा का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इसी तरह से इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच सूजी ली है। सूजी पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप लड्डू को बना सकते हैं। और अब हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा सूजी भी हमारी भुन जाए। और इसका हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो लड्डू का भी हमारे कलर चेंज हो जाएगा। और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने 4 से 5 बादाम लिए थे बारीक कटे हुए और इसमें डाल दिए हैं ताकि हमारे मेवा भी थोड़ा सा भुन कर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और इसी तरह 2 मिनट के लिए और चला लेते हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ली है जिसे हमने पहले से ही पीस कर लिया है। हमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है या फिर आपके पास भूरा हो तो भूरे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसे तगार भी कहते हैं। और सारी चीज़ें हमारी भूंजकर अच्छे से तैयार हो गई हैं। बस हमें 1/2 कप ही चीनी लेना है। आप चीनी का टेस्ट अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और गैस को हम तुरंत बंद कर देंगे जैसे ही हम चीनी डालेंगे, और गैस को हमें बंद कर देना है। बंद गैस में हम चीनी को अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे घर की ताजी मलाई 2 चम्मच। पहले हम 1 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई हमने इसलिए डाली है ताकि लड्डू हमारे अच्छे से बंध जाएं, इनको बांधने में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम चलाकर देख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ी मलाई हम इसमें और डाल देंगे। और देखें ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। और थोड़ा सा मलाई हमने यहाँ पे और डाल दी है, कुल मिला के सिर्फ 2 चम्मच ही मलाई हमने यहाँ पे डाली है। तो चलिए अब लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। और बस हल्का गर्म में ही हम लड्डुओं को बांध लेंगे। बांधने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे जो खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो इन लड्डुओं को आप कभी भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे बेसन के लड्डू चलते हैं वैसे ही ये भी चलेंगे। और लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, देखें कितने बढ़िया दिख रहे हैं। इसी तरह से हमने इन्हें अच्छे से चिकना कर लेना है।
और बाकी के लड्डू भी अब हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और इसी तरह से बनाते रहेंगे तो ये चिकने भी हो जाएंगे और बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएंगे। देखने में देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम लड्डुओं को थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ सजा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता लिए हैं, आप इन्हें बादाम या काजू जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो लड्डुओं के ऊपर सजा सकते हैं। वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ।